हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सिंटैक्स के अंतर्गत रूल्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ाएंगे। रूल्स फर्स्ट, प्रायः एडजेक्टिव को उसी शब्द से पूर्व प्रयोग किया जाता है जिसको वह क्वालिफाई करता है, लेकिन एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज होने पर उसे वर्ब के पश्चात भी रखा जाता है। जैसे द बॉय वॉज स्ट्रॉन्ग, हैंडसम एंड यंग। याद रखिए, जब एडजेक्टिव शब्द नाउन के पहले आता है तो इसको एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं, किंतु जब नाउन शब्द वर्ब के पूर्व और एडजेक्टिव शब्द वर्ब के पश्चात आता है तो इसको प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। ही इज ए गुड बॉय में एडजेक्टिव गुड का एट्रीब्यूटिव यूज है तथा बॉय इज गुड में प्रेडिकेटिव यूज है। बी, जब कोई एडजेक्टिव टाइटल की तरह प्रयुक्त हो तो उसे नाउन के बाद रखना चाहिए, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट कंक्वर्ड मैनी कंट्रीज। सी, फ्रेसिस में एडजेक्टिव को उसके नाउन के पश्चात रखते हैं, जैसे हेयर अपेरेंट टाइम इमेमोरियल पॉइंट ब्लैंक वर्ड्स सबलाइन गॉड द अलमाइटी। रूल सेकेंड, सुपीरियर जूनियर इन्फीरियर प्रायर सीनियर आदि शब्द जिनके अंत में आई ओ आर लगा होता है कंपैरेटिव डिग्री में ही प्रयोग करते हैं और इनके पश्चात देन के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं, जैसे श्याम इज इन्फीरियर टू मोहन। रूल थ्री, इंटीरियर एक्सटीरियर मेजर माइनर फॉर्मर लेटर अपर इनर आउटर आदि एडजेक्टिव्स का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री की भांति होता है, जैसे ही रिसीव्ड ए माइनर इंजरी। रूल्स फोर, कुछ एडजेक्टिव अर्थ में सर्वोच्च स्थिति दिखाते हैं, हाईएस्ट डिग्री दिखाते हैं, अतः इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती, जैसे राउंड परफेक्ट यूनिक चीफ कंप्लीट इटर्नल एक्सट्रीम आइडियल एंटायर एम्प्टी यूनिवर्सल स्क्वायर आदि। इनकरेक्ट सेंटेंस है, दिस बुक इज मोस्ट कंप्लीट इन एवरी वे। करेक्ट है, दिस बुक इज कंप्लीट इन एवरी वे। रूल्स फाइव, दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना के लिए कंपैरेटिव डिग्री और उससे अधिक के लिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, जैसे इनकरेक्ट है सी इज द बाइजेस्ट ऑफ द टू। करेक्ट है, सी इज द बाइजर ऑफ द टू। रूल सिक्स, जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना की जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते, ऐसी स्थिति में पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले मोर का प्रयोग करते हैं, जैसे इनकरेक्ट सेंटेंस है रमेश इज ब्रेवर देन बाइज। करेक्ट सेंटेंस है रमेश इज मोर ब्रेव देन बाइज। रूल सेवन, प्रीफर तथा प्रीफरेबल में कंपैरेटिव का फोर्स होता है, अतः इनके पूर्व मोर कभी नहीं लगाना चाहिए, इनके साथ देन के स्थान पर टू का प्रयोग होता है, जैसे इनकरेक्ट सेंटेंस है आई प्रीफर वॉकिंग देन स्विमिंग। करेक्ट है, आई प्रीफर वॉकिंग टू स्विमिंग। रूल एट, जब दो एडजेक्टिव एक ही नाउन से संबंध रखते हों तो दोनों एक ही प्रकार की डिग्री में आते हैं, अगर एक सुपरलेटिव डिग्री में हो तो दूसरा भी सुपरलेटिव डिग्री में आना चाहिए, जैसे इनकरेक्ट सेंटेंस है दिस इज द बेस्ट एंड चीपर पेन इन द मार्केट। करेक्ट है, दिस इज द बेस्ट एंड चीपेस्ट पेन इन द मार्केट। रूल्स नाइन, तुलना एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तुओं में की जानी चाहिए, जैसे इनकरेक्ट है माई हाउस इज बिगर देन माई अंकल। नोट, इस बात में मेरे हाउस की तुलना मेरे अंकल से की गई है, ना कि मेरे अंकल के हाउस से, अतः यह वाक इस प्रकार होना चाहिए। करेक्ट, माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ माई अंकल। नोट, एक वचन के लिए दैट ऑफ और बहुवचन के लिए दोज ऑफ को प्रयोग करते हैं, जैसे द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन आर वाइडर देन दोज ऑफ दिल्ली। रूल टेन, डबल कंपैरेटिव तथा डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनकरेक्ट, ही इज मोर क्लियरर cleverer than his cousin. Correct, he is cleverer than his cousin. Rules 11, few, many, several are the adjectives of number है, इनका प्रयोग adjectives of quantity के अर्थ में नहीं होना चाहिए, जैसे correct sentence है this baby has taken many milk. Incorrect है this baby has taken much milk. Rules 12, some, all, most, any, no are the adjectives, दोनों ही अर्थों में अर्थात adjective of number तथा एडजेक्टिव क्वांटिटी में प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे देयर इज नो पैसेंजर ऑन द बुकिंग विंडो, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ही लेफ्ट नो वाटर इन द ग्लास, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ही हैज बॉट सम एनिमल्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ब्रिंग मी सम टी इन द कप, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है।
यूज 13 फ्यू आ फ्यू एंड द फ्यू का प्रयोग, ये सभी एडजेक्टिव के नंबर हैं अतः इनका प्रयोग काउंटेबल नाउंस के साथ होता है। ए फ्यू नकारात्मक अर्थ रखता है अर्थात नहीं के बराबर, हार्डली यानी जैसे ही हैज फ्यू फ्रेंड्स इन द कॉलेज। बी ए फ्यू का अर्थ है कुछ सम जैसे सी वांट्स ए फ्यू बुक्स। सी द फ्यू का अर्थ है बहुत कुछ, बहुत नहीं, थोड़े किंतु सभी अर्थात जो कुछ थोड़ा, नॉट मैनी बट ऑल देयर आर होता है। द फ्यू के बाद एक एडजेक्टिव क्लॉज आता है, द फ्यू वर्ड्स दैट ही स्पोक वेयर सिंसियर। रूल्स 14 लेस और फीवर का ध्यानपूर्वक प्रयोग करना चाहिए। लेस लिटिल का कंपरेटिव परिमाण क्वांटिटी बताता है जबकि फीवर संख्या नंबर प्रदर्शित करता है। जैसे सेंटेंस है करेक्ट, नो फ्यूअर देन 40 पीपल अटेंडेड द मैरिज पार्टी। इनकरेक्ट सेंटेंस था नो लेस देन 40 पीपल अटेंडेड द मैरिज पार्टी। रूल्स 15 लेटर लेटेस्ट लेटर और लास्ट का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि लेटर और लेटेस्ट का समय के अर्थ में तथा लेटर और लास्ट स्थिति अथवा क्रम बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दिस बॉय एंटर्ड द क्लास लेटर देन रामू। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज। नोट लेटर लेट की कंपरेटिव डिग्री है लेकिन लेटर LETER शब्द फॉर्मर का ब्लोम शब्द है, ब्लोम है। वाक्य में जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं का वर्णन होता है तो पहले के लिए फॉर्मर तथा तो दूसरे के लिए लेटर का प्रयोग होता है। उदाहरण 5 सेकंड लास्ट फर्स्ट का तथा लेटेस्ट अर्लीस्ट का विलोम है। रूल 16 लिटिल अ लिटिल और द लिटिल का प्रयोग भी ध्यानपूर्वक करना चाहिए। लिटिल का अर्थ है नहीं के बराबर। देयर इज लिटिल वाटर इन द पिचर। घड़े में पानी बिल्कुल नहीं है। अ लिटिल का अर्थ है कुछ इस सर्टेन क्वांटिटी जैसे अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। सी द लिटिल का अर्थ है ज़्यादा नहीं लेकिन सब, नॉट मच बट ऑल जैसे डू नॉट स्पॉइल द लिटिल मिल्क यू हैव। नोट द लिटिल के बाद एक एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग होता है लेकिन लिटिल अ लिटिल के बाद नहीं होता है। जैसे दे लॉस्ट द लिटिल मनी दे हैड। रूल 17 फादर और फर्दर तथा नियरेस्ट और नेक्स्ट के प्रयोग में ध्यान रखना चाहिए कि फर्दर दूरी दिखाता है और फर्दर का अर्थ है और आगे। जैसे मुंबई इज फार्दर देन फ्रॉम मथुरा देन झांसी। नियरेस्ट दूरी दिखाता है और नेक्स्ट स्थिति बताता है। द नियरेस्ट बैंक इज 5 miles फ्रॉम हेयर। रूल्स 18 एल्डर एल्डेस्ट ओल्डर ओल्डेस्ट का प्रयोग। एल्डर एल्डेस्ट का प्रयोग एक ही परिवार के लोगों, भाई बहनों, पुत्र पुत्रियों के लिए होता है। एल्डर के पश्चात देन का प्रयोग नहीं होता। यदि एल्डर का प्रयोग अब कंस्ट्रक्शन में हो तो इसके पूर्व द का प्रयोग होता है। जैसे माई एल्डर ब्रदर इज ए डॉक्टर, सी इज द एल्डर ऑफ द टू। ओल्डर तथा ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्ति तथा वस्तु दोनों के लिए होता है। जैसे रवि इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड्स। रूल्स 19 द टू फर्स्ट एक भावहीन अर्थ प्रकट करता है। इसके स्थान पर हमें कहना चाहिए कि द फर्स्ट टू। इनकरेक्ट सेंटेंस है द टू फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। करेक्ट है द फर्स्ट टू चैप्टर्स ऑफ दिस आर वेरी बुक ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। रूल्स 20 जब बोथ का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है तो इसके पश्चात प्रायः द आता है। जैसे योर फादर केम हेयर ऑन बोथ द डेज। करेक्ट सेंटेंस है। लास्ट रूल्स 21 सम का प्रयोग स्वीकारात्मक वाक्यों में होता है। सम का प्रयोग ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों में भी होता है जिनके स्वीकारात्मक उत्तर की आशा हो या प्रश्नवाचक वाक्य से प्रार्थना या निमंत्रण का बोध हो। जैसे आई हैव सम फूड, विल यू गिव मी सम बुक्स प्लीज। एनी का प्रयोग निगेटिव तथा इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे ही डिड नॉट बाई एनी पेन। हैव यू एनी बुक्स फॉर रीडिंग। थैंक्स। बेस्ट ऑफ लक।